कुर्बान करेंगे सब कुछ, नामे खुदा पे हम तो इस्लाम की मोहब्बत, अकीदत वफा पे हम तो देते रहेंगे जाका नजरा हम हमेशा, हथेली पे जा को रख कर सर को सजा के हम तो तेरी अमानतें थी जो तू ले राजी हैं ए खुदाया तेरी रजा पे हम तो पहलों से जा मिले हैं हम शुहदा किया बुरू की रस्में निभा के हम तो सब कुछ लुटा के वल्ला मोहम्मद ते हम वापस नाब मुड़ेंगे राह बका से हम तो जुल्मो सितम पे यारब गुंग है जुबा हमारी गाएंगे गीत फिर भी हम दो सना के हम तो दुश्मन मिटा दे कलमा मस्जिद भी ख्वा जला दे कलमा लिखेंगे फिर से मस्जिद बना के हम तो कुर्बान करेंगे सब कुछ नामे खुदा पे हम तो इस्लाम की मोहब्बत अकीदत वफा पे हम तो।
एक बहुत दिलचस्प वाक्या डोरी लफ्ज से ताल्लुक रखता है। डोरी जैसा कि आप जानते हैं, उस सूत की बटी हुई रस्सी को या किसी चीज की बटी हुई रस्सी को कहते हैं जिसे बाज दफा पैमाइश के काम भी लिए जाते हैं। ये एक हैरत अंगेज वाक्य है कि नासिर अहमद साहब सिद्धू जो वहां मुकर्रर हैं, उनकी वालिदा ने 10 साल कबल एक अजीब रोया देखा, लेकिन उसकी ताबीर उनको समझ ना आई। उन्होंने रोया में देखा कि नासिर अहमद सिद्धू एक बहुत लंबी डोरी लेकर अपनी वालिदा के पास आए हैं और मेरी तरफ मंसूब करके ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मैंने दुआ की है, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इलाका फतह होगा और ये डोरी उसके गिर्द लगा रही है। इस रोया के साथ ही उनकी वालदा को तहरीक पैदा हुई कि ये तो जितना जितनी बड़ी खुशखबरी है उतनी तो डोरी है ही नहीं है। चाचे सारी रात वो ख्वाब में चरखा काटती और डोरी बुनती रही। सुबह उठते ही तो बाजू में दर्द था, यानी मैं फर्जी बात नहीं थी, डोरी काट काट के उनके बाजू उनका बाजू दुखने लगा। ये वाकया गुजर गया, उसके 10 साल के बाद हमारे ये मुबल्लिग खुदा ताला की फजल से बुरकिना फासो में मुकर्रर हुए। अब इनकी हैरत का अंदाजा करें, जहां इनकी तकरीर हुई उस शहर का नाम डोरी था। अचानक इनको याद आ गया कि ये तो इत्तेफाकी वाकया नहीं है। उन्होंने यकीन किया कि हो नहीं सकता कि इस इलाके में गैर मामूली फतुहात ना हो, बल्कि इनको समेटना हमारे बस में नहीं रहेगा। चुनांचे अल्लाह ताला के फजल से वहां थोड़े अरसे में 2 लाख बैठे हैं।